सेवेंथ क्लास, आज हम आपको हिंदी सेकंड में लेसन एट पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है लिंग। धोबिन कपड़े धो रही है, धोबी कपड़े धो रहा है, बंदरिया नाच रही है, बंदर केला खा रहा है। तो यहाँ पर रंगीन छपे शब्दों से ये पता चल रहा है कि कौन पुरुष वर्ग का, कौन स्त्री वर्ग का। इस शब्दों का यही रूप लिंग कहलाता है। धोबी और बंदर पुरुष वर्ग के हैं और धोबिन और बंदरिया स्त्री वर्ग के हैं। तो परिभाषा होती है शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद निर्धारित किए गए हैं जो दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के बारे में बताते हैं आपको, अध्यापक, पानी और कौवा, ये सभी पुल्लिंग है क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो परिभाषा होगी शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग की पहचान कैसे करी जाएगी? तो पुल्लिंग के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो हैं देश, ग्रह, द्वीप, सागर, पर्वत, वृक्ष, समय, दिन, महीने, अनाज, रत्न, धातु, वर्णमाला के अक्षर, द्रव्य पदार्थ, शरीर के अंग तथा दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले शब्द आते हैं। ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे देश हो गया भारत, अमेरिका, नेपाल आदि, ग्रह हो गया मंगल, सूर्य, चंद्र आदि, द्वीप हो गया अंडमान, निकोबार आदि, और पर्वत हो गया हिमालय, आल्पस, यूराल आदि, वृक्ष हो गए देवदार, चिनार, बरगद आदि, समय हो गया सोम, घंटा, फल, क्षण, मिनट, सेकंड आदि, दिन हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि, महीने हो गए चैत्र, बैसाख, फरवरी आदि, और अनाज हो गया बाजरा, गेहूं, चना आदि, रत्न हो गया पुखराज, लोहा, पुखराज, मूंगा, माणिक्य आदि, धातु हो गई लोहा, सोना, पीतल, तांबा आदि, वर्णमाला के अक्षर हो गए क, ख, ग, घ आदि, द्रव्य पदार्थ हो गए घी, दूध, पानी, और शरीर के अंग हो गए अंगूठा, हाथ, पैर, गला, कान, सिर आदि। ठीक है, फिर दान, खान, वाला आदि से अंत होने वाले शब्द होते हैं खानदान, पीकदान आदि। यह बाकी सब आपको मैं दिखा दे रही हूँ, इसको आप अपने अच्छे से पढ़कर समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है ये शब्द है कुछ और जो आपको पुल्लिंग की पहचान कराते हैं। इसके बाद आता है मच्छर, गैंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ प्राणी वाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि आदि, साधु आदि। इसके बाद आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग अध्यापिका, गिलहरी और गायिका, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। तो परिभाषा क्या होगी? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग की भी पहचान होती है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, लिपि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे नक्षत्र हो गए अश्विनी, रेवती, मृक्षिरा, चित्रारी, भरणी, रोहिणी आदि। नदी हो गई गंगा, यमुना, सतलुज, रावी आदि। बोली हो गई मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली आदि। भाषा हो गई हिंदी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी आदि। तिथि हो गई पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी आदि। भोजन हो गया रोटी, दाल, सब्जी, खीर, पूरी आदि। आता, आई, आवट, इया, आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे आ लगाकर भाषा बना, कविता बना, ता लगाकर गीता, ममता, लता बना, आई लगाकर सगाई, मिठाई, धुनाई बना, आवट लगाकर सजावट, बनावट, लिखावट बना, इया लगाकर चिड़िया, कुटिया, बुढ़िया बना, आहट लगाकर चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट आदि बना। ये सब हो गए स्त्रीलिंग के शब्द। और शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं जैसे आँख, नाक, जीभ, पलके, ठोड़ी आदि। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं जैसे सलवार, चुन्नी, साड़ी, धोती आदि। कुछ मसाले आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची आदि। अब ध्यान देने के लिए क्या है कि कुछ समय शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील आदि। बर्फ, बेमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि, ये सब जो होते हैं स्त्रीलिंग का परिचय योजक चिन्ह, क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। और इसके बाद होता है कैसे इस तरह के शब्दों के लिंग को पहचाना जा सकता है। जैसे हिमालय पर जमी बर्फ़ पिघल रही है, दुख में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त कहलाता है। मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी हैं। सायना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। MF हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे और मेरी मित्र कॉलेज में लेक्चरर हैं। इसके बाद आता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के शब्द। तो शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। अ को आ करके जैसे हुआ आचार्य को आचार्य, शिष्य को शिष्य। इसके बाद अ आ को ई करके जैसे देवा, देव का देवी, मामा का मामी, नर का नारी। इसके बाद और भी शब्द हैं, अ को आ को इया बरा के तो बेटा का बिटिया, बूढ़ा का बुढ़िया। इसके बाद ई का जोड़कर जैसे संपादक का संपादिका, बालक का बालिका, अध्यापक का अध्यापिका आदि। इनको जोड़कर मालिन का मालिन, दर्जी का दर्जन, आयन जोड़कर हलवाई का हलवाइन और बाबू का बाबूआइन।
नहीं जोड़कर मोर का मोरनी, भील का भीलनी और रिच का रिचनी, आनी जोड़कर सेठ का सेठानी और नौकर का नौकरानी, वान या मान जोड़कर आयुष्मान का आयुष्मती, गुणवान का गुणवती। कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे तोता का मादा तोता, उल्लू का मादा उल्लू। तोता या तोते नहीं हो सकता, बस मादा लगाया जा सकता। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर स्त्री त्री जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे अभिनेता का अभिनेत्री, विधाता का विधात्री। शब्दांत में इन जोड़कर भी कुछ स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, जैसे तपस्वी का तपस्विनी और अभिमान का अभिमानी। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका लिंग परिवर्तन के समय पूरी तरह पूर्व परिवर्तित हो जाता है, जैसे वर का वधू, फूफा का बुआ, ससुर का सास, पति का पत्नी। इसी प्रकार कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जिनके साथ नर लगाकर पुल्लिंग बनाए जाते हैं, जैसे कोयल का नर कोयल, छिपकली का नर छिपकली, तितली का नर तितली। तो इसी तरह पाठ का सारांश होता है कि जिस शब्द से पता चले कि वह पुरुष जाति का है, वो स्त्री जाति का, वो या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो होते हैं, भेद होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। देश, ग्रह, द्वीप, सागर, पर्वत, वृक्ष, समय आदि जो होते हैं वो सदैव पुल्लिंग कहलाते हैं। पाठ समाप्त होता है, आशा करते हैं आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा।